Executive Support System. In this module, we will understand Executive Support System, how it functions, and discuss some of the advantages of using Executive Support System in organization. So, आइए इसको start करें. अब Executive Support System क्या होता है? It is a system that allows users to transform enterprise data. अब transform का मतलब है कि जो ऑलरेडी डेटा मौजूद है उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म या चेंज किया जाए ताकि इनटू एक्सेसिबल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल रिपोर्ट्स, कि डेटे को इस तरीके से चेंज करके रिपोर्ट्स की फॉर्म में तब्दील किया जाए ताकि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को उस डेटा को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का मौका मिले और उसको समझने का मौका मिले. इट इज ए स्पेशलाइज्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. स्पेशलाइज्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें एनालिटिकल कैपेबिलिटी होगी और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज करके आउटपुट किया जाएगा डेटा ताकि वो बेहतर तरीके से फ्यूचर के ट्रेंड्स को सामने रखकर डेटा को एग्जैक्ट लेवल मैनेजर को समझने में आसानी हो. प्रोवाइड्स विजुअल डैशबोर्ड्स. विजुअल डैशबोर्ड्स ताकि जो एग्जैक्ट लेवल या टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके पास टाइम कम होगा. जब टाइम कम है तो वो एक ही डैशबोर्ड को देख के पूरी कंपनी के डेटा या पूरी कंपनी में क्या ऑपरेशन हो रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकें कि क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितने लोग काम पर आए हैं, कितनी सेल्स हो रही हैं, किस लेवल्स की सेल्स हो रही हैं, कहां पर सेल्स हो रही हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑन वन डैशबोर्ड उसको समझ सकें. अब स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन. स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होगी जो हेल्प करेगी स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग में टू टॉप लेवल मैनेजमेंट इन रियल टाइम. रियल टाइम का मतलब है एज ऑफ नाउ जो हो रहा है उसको सामने रखकर स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग करने में उनको मदद दे. अ विजुअल डैशबोर्ड इट्स अ टूल दैट हेल्प्स इन विजुअली प्रेजेंटिंग डेटा फॉर यूज. अब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके पास जब विजुअल डैशबोर्ड्स की फॉर्म में डेटा मौजूद होगा या डेटा प्रेजेंट हो रहा होगा तो वो ओवरऑल कंपनी में क्या हो रहा है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. जब आप डेटा स्टोर कर रहे हैं वो तो टेक्स्ट फॉर्म में होगा या नंबर्स फॉर्म में होगा या इमेजेस फॉर्म या ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जब आपने टॉप लेवल मैनेजर्स को वो शो करना है तो उसको इस तरीके से चेंज या ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि उनको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिले ताकि उनको समझने में आसानी हो और समराइज या एग्रीगेट फॉर्म में होगी. कस्टमाइज फॉर ईच फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन. अब हर फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के डेली बेसिस पे टारगेट्स चेंज होंगे या मुख्तलिफ हो सकते हैं. उन्होंने क्या चीज कैसे अचीव करनी है, उनके डेली टारगेट्स क्या हैं, उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, वो डिफरेंट होंगे. तो वो अगर विजुअल डैशबोर्ड पे नजर आ रहे होंगे टू मैनेजर्स तो वो बेहतर तरीके से स्ट्रेटजिक लेवल डिसीजन कर सकते हैं. सपोर्ट डिसीजंस दैट आर मोर ऑफ ए स्ट्रेटजिक नेचर एंड लॉन्ग टर्म. तो जो डिसीजंस आपने स्ट्रेटजिक या लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेनी है उस इंफॉर्मेशन को देखकर वो ले सकते हैं. कंबाइंस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा या जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है फ्रॉम ऑल एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड कंप्लीट ओवरव्यू. तो कंप्लीट ओवरव्यू तभी होगा जब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको इस तरीके से चेंज या तब्दील किया जाए ताकि इन्फॉर्मेशन वही रहे, डेटा वही रहे, लेकिन उसको समझने के लिए आसानी हो जाए टू टॉप लेवल मैनेजर्स. प्रोवाइड पोटेंशियल आउटकम. क्विक स्टैटिस्टिकल डेटा अप्लाई टू डिसीजन प्रोसेसेस. तो स्ट्रेटजिक या लॉन्ग टर्म में जो उन्होंने डिसीजन लेनी है वो अवेलेबल होगी थ्रू दोज डैशबोर्ड्स या जो भी सिस्टम उन्होंने एग्जेक्टिव या टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए बनाया होगा. ESS आर इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड. तो इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड का मतलब है कि डूइंग द राइट थिंग्स या उसके साथ साथ डूइंग थिंग्स राइट. तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी कि क्या वो काम कर रहे हैं और जो काम उनको करना चाहिए क्या वो काम बेहतर तरीके से हो रहा है. सपोर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन एंड कंसर्न अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर. तो टॉप लेवल के ऊपर फ्यूचर ट्रेंड्स को देख के स्ट्रेटजी लेवल की डिसीजन चेंज होगी और वो उस तरीके से चेंज हो सकती है जब उनको अपनी कंपनी का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा. ESS हेल्प टॉप लेवल मैनेजर या सीनियर लेवल मैनेजर्स एनालाइजिंग द एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट. तो ऑलरेडी जो हो रहा है कंपनी में वो थ्रू विजुअल डैशबोर्ड अवेलेबल होगा
और क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, तो उन दोनों डेटा को सामने रखकर वो अच्छी डिसीजन मेकिंग या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, प्लानिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना चाहिए इन द लॉन्ग रन जिसका इफेक्ट हमारी कंपनी में होगा, ताकि हमारी कंपनी बेहतर कस्टमर्स को सर्व कर सके या बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सके. प्रेजेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज एंड इंटरनल MIS और TPS. तो कंपनी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं. अब उनके क्या फंक्शन है वो देखकर आप उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको देख सकते हैं कि वो किस किस्म का इंफॉर्मेशन सिस्टम है. लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि कंपनी में उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम डिफरेंट दिए गए हों. तो एग्जैक्टली सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपके पास प्रेजेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन भी होगा जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होगा, फ्रॉम MIS या TPS. प्रेजेंटेड डेटा सपोर्ट एंड एक्सटर्नल इंटरनल कैपेबिलिटीज, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ सीनियर एग्जेक्टिव. तो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ सीनियर एग्जेक्टिव जिनके पास काफी ईयर्स का एक्सपीरियंस मौजूद है, जिनकी एनालिटिकल स्किल्स या मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ताकि वो कंपनी का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को थ्रू डैशबोर्ड देखकर और एनवायरमेंट को देखकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करें, ताकि उसका ओवरऑल इफेक्टिवनेस कंपनी पे बेहतर हो और परफॉर्मेंस बेहतर हो. एग्जेक्टिव रिपोर्ट्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट इंक्लूड्स प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए की मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो किस फंक्शन यूनिट का क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, किस तरीके से आपने उसे इवेल्युएट करना है, वो सारा मौजूद होगा. Outlining problems and solutions that empower executives to make quick, accurate and valuable decision. तो quick, accurate और valuable decision तभी हो सकेगी जब आप उसको performance indicators को देखकर real form में आप उस data को understand करेंगे और long term run के लिए long term strategy decision making करेंगे. Example include reports of billing, cost accounting, staffing और scheduling. Executive visual boards help busy executives to see more detail about how their business is doing. So visual executive dashboard unhe help karega kaisa hamara business run kar raha hai, what is going on with every part of the business operation, ki aapki functional area of operation kitne hai, unke performance indicator kya kya hai aur kis level ki wo achieve ho rahe hain. Drill down is the capability that makes and takes the data from the user from a more generalized general view of the data to a more specific one. तो उस सिस्टम के अंदर, executive support system के अंदर ये भी फीचर और functionality मौजूद है कि visual dashboard तो मौजूद है जिससे overall company में जो performance indicator है based on the current data वो क्या है, और उसके साथ साथ उसमें ये भी capability मौजूद होगी कि from general to specific area of operation आप drill down करके ये check कर सकते हैं कि bottlenecks या issues कहां पर आ रहे हैं. अब अगर functioning of executive support system in terms of data processing requirements देखें, तो inputs जो है वो external data होगा, क्योंकि environment का भी आपने ख्याल रखना है कि क्या हो रहा है, internal files, predefined models, processing में आपके पास summarization, simulation, analytical capabilities होंगी, drill down की जो accessibility या features मौजूद होंगे, और output में आपको summary report, forecast और graph और या प्लॉट्स की फॉर्म में वो डेटा की रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी. अब सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स आर इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, के आपके पास हाई लेवल ऑफ एनालिटिकल कैपेबिलिटी मौजूद है, पूरा व्यू ऑफ द ओवरऑल व्यू ऑफ द कंपनी मौजूद है, ऑटोमेशन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेसेस, जब आपको बॉटलनेक्स का पता होगा क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एक यूनिट अचीव कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो ड्रिल डाउन चेक करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्यों नहीं करा. प्रोवाइड टाइमली डिलीवरी ऑफ कंपनी समरी डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ साथ एक्सेस टू ब्रॉड रेंज ऑफ ए डेटा एक्सटर्नल और इंटरनल, एबिलिटी टू व्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जब हर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑपरेशन का आप ये चेक कर सकते हैं कि उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अगेंस्ट उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके थ्रू आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी अंदाजा हो सकता है. एंड स्पोर्ट्स एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, तो एग्जेक्टिव लेवल जो मैनेजर्स हैं, एग्जेक्टिव लेवल टॉप लेवल जो है, अगर उनके पास इस तरह का सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर ये फंक्शनैलिटी मौजूद है,
तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है।